अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उर्दू ट्रिक से और आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ व्हाट्सएप के कूल ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ के अपडेट पहले पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं अपने व्हाट्सएप पर आ चुका हूँ और आज तो अब मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम चलते हैं अपने अकाउंट पर। पहले मैं आपको अपने अकाउंट की सेटिंग के बारे में बताता हूँ और उसके ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हैं तारिक रहीम और मेरे अबाउट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टाइलिश नाम भी देख सकते हैं और अपना मतलब कि अबाउट भी स्टाइलिश दे सकते हैं। तो वो आप किस तरह से स्टाइलिश दे सकते हैं और आप किस तरह मतलब कि ग्रुप्स के नेम मतलब कि स्टेलर्स दे सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पर अकाउंट में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मैं तो यहाँ दोस्तों, अगर आपने किसी दोस्त को ब्लॉक किया हुआ है और आपके पास उसका कांटेक्ट अब नहीं है, अगर आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है और आपने उसकी मैसेज डिलीट की हुई है, तो आप उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको आना होगा। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक कॉन्टैक्ट का नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप जिस किसी को भी आपने ब्लॉक किया होगा तो वो यहाँ पर होगा। तो अगर आपने किसी को ब्लॉक किया होगा तो यहाँ से आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं लास्ट डेट। जहाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मेरी एक्टिविटी किसी को ना बता चले कि मैं एक्टिव हूँ या फिर एक्टिव नहीं हूँ, तो यहाँ पर आप नोबॉडी करें। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट मतलब चाहते हैं कि मेरे अपने कॉन्टैक्ट के लोग देखें कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं, तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट पर करें। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर अब हमारा चौथा ट्रिक्स ये है कि यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से अपने मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पहले आपको अपना ओल्ड नंबर देना होगा और उसके बाद आपको अपना न्यू नंबर देना होगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पर अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने ज़्यादा सर ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं और उसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा आते हैं और आप उसकी नोटिफिकेशन से तंग आ गए हैं, इससे आपका मोबाइल भी हैंग हो सकता है, तो पहले आप ऐसा करें कि पहले आप नोटिफिकेशन पे जाएं। तो आप यहां पर आ जाएं तो यहां पर आपको ग्रुप नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप यहां पर इसको नाउन कीजिए और वहां पर आपको वाइब्रेट की जगह पर ऑफ करना है। तो यहां पर आपको फिर बैक आना है और उसके बाद आपने जिस किसी ग्रुप को भी ज्वाइन किया हुआ है आप उसको यहाँ पर म्यूट करें, क्योंकि मैंने पहले से म्यूट किया हुआ है। तो आप यहाँ पर म्यूट करें तो आपका मतलब कि कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और इससे आपका मोबाइल भी हैंग नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप मतलब कि ग्रुप कैसे बनाएंगे। अपने दोस्तों के लिए आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि न्यू ग्रुप। तो यहाँ पर आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम देना होगा ग्रुप का जो ना आप देना चाहते हैं, और यहाँ पर साइड पर आप अपना पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रुप बन गया। तो यहाँ दोस्तों, अगर आपने एक ग्रुप बनाए हुआ है, जैसे कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप मतलब कि किस तरह से नाम दे सकते हैं और किस तरह मतलब पिक्चर। तो यहाँ पर आपको एक पेंसिल का निशान दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अपने नाम भी चेंज कर सकते हैं और अपना मतलब कि फोटो भी ग्रुप का चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ग्रुप ऐसे होते हैं कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही उसकी आइकॉन चेंज कर सकता है और उसका नाम चेंज कर सकते। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि सेंड मैसेज, तो यहाँ पर आप अपनी खुद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग को लिखा है एडिट ग्रुप इन्फॉर्म, तो यहाँ पर आप ओनली एडमिन कर दे तो आपके अलावा कोई भी यहाँ पर मतलब कि ग्रुप आप यहाँ पर आपके अलावा कोई भी ग्रुप का आइकॉन या फिर नेम चेंज नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि आप यहाँ पर किस तरह से मतलब कि अपना वेल पेपर लगाएंगे। तो वेल पेपर लगाने के लिए आपको यहाँ पर वेल पेपर में जाना होगा। वेल पेपर जाने के बाद आपके पास गैलरी आ गया, तो यहाँ से आप मतलब कि अपना अपना वेल पेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गए तो मैंने यहाँ सेट किया,
तो इसका वॉलपेपर अब चेंज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं बता कि आप अपने ग्रुप को स्टाइलिश नाम कैसे देंगे और अपने मतलब कि अपना नाम स्टाइलिश कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले यूसी ब्राउज़र में जाना होगा। यूसी ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट देना होगा, क्लिप लाइक, सॉरी यार यहाँ तो मैंने गलत पेज डाले, तो यहाँ पर मैं फिर डालता हूँ PS Found। तो आपको PS Found देना होगा और फिर यहाँ पर पहले ही पेज पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको मतलब कि अगर आप अपना नाम देना चाहते, आप जो भी नाम स्टाइलिश करना चाहते हैं आप वो नाम यहाँ पर लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तारिक रहीम, तो मैंने अब इसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने स्टाइलिश नाम आ गए हैं, और आपको जो कोई भी नाम आपको पसंद हो आप उसे कॉपी करके अपने मतलब कि व्हाट्सएप के नाम पर आप मतलब कि वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मतलब कि जो कोई भी नाम आपको पसंद आया, जैसे आपको जैसे मुझे एक नंबर ये नाम बहुत पसंद आया तारिक रहीम, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर कॉपी। तो उसके बाद मैं व्हाट्सएप पर चला जाता हूँ। अगर आप ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं तो आप ग्रुप में भी दे सकते हैं, अगर आप मतलब कि अपने देना चाहते तो आप यहाँ पर अपने नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे यहाँ पर उसको पेस्ट किया तो यहाँ पर वो नाम आ गया, जैसे कि आप अब देख सकते हैं।